अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, गर्मियों की आमद आमद है, छुट्टियां होने वाली हैं, तो ऐसे में अगर आप हुंजा जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। लिहाजा वीडियो सेव कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हुंजा जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता इस्लामाबाद से एबटाबाद, बडग्राम, बीशाम, दासू, चिल्लास, गिलगित और फिर आप हुंजा पहुंच जाएंगे। ये रास्ता लंबा तो है लेकिन साल के नस्बतन 12 महीने खुला रहता है। दूसरा रास्ता इस्लामाबाद से एबटाबाद, बालाकोट, नारान कागान, बाबूसर टॉप, चिल्लास, गिलगित और हुंजा तक जाता है, लेकिन ये रास्ता नवंबर में बंद हो जाता है और मई के आखिर या जून में खुलता है। लिहाजा 1422 पे कॉल करके तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। पहले दिन का आगाज़ करें करीमाबाद के बाज़ार से, जहां का व्यू इंतहाई खूबसूरत है। दूसरा, यहां पे आपको अपने बजट के मुताबिक महंगे और लग्जरी होटल्स जैसा कि रूमी दास्तान, ऑफ्टो रिज़ॉर्ट, हुंजा दरबार होटल, ये भी दस्तियाब हैं। और दूसरी तरफ आपको सस्ते और डिसेंट होटल में 3000 से 4000 की रेंज में भी कमरा दस्तियाब हो जाता है। सुबह की शुरुआत करें नाश्ते से और नाश्ता करें हुंजा फूड पवेलियन बाय लाल शहजादी से, जहां आपको दस्तियाब है हुंजा के मुकामी और लजीज खाने जैसा कि चाप शोरो ग्यालिंग इंतहाई मुनासिब रेट पर। यहां से चंद कदम की दूरी पर वाकया है 800 साल पुराना और जहेज में मिलने वाला किला बल्तित फोर्ट। इस किले की मुकम्मल और तफसीली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके बाद आप विजिट करें एक और हजारों साल पुराना जंगी किला अल्तित फोर्ट, जहां आप पहुंचेंगे एक इंतहाई खूबसूरत और रॉयल गार्डन से गुजरकर। इसकी एंट्री फीस 800 रुपए फी बंदा है, जिसमें गाइड भी शामिल है। अगर इस किले की मुकम्मल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इस किले के अहाते में सरीना होटल एंड कैफे भी वाकया है, जहां का लजीज खाना आप इंतहाई शानदार और तलस्माती मंजिल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप विजिट करें हजारों साल पुराना गणेश सेटलमेंट, जहां के नज़ारे देख कर आप दंग रह जाएंगे। दूसरे दिन सफर का आगाज करें अताबाद के साथ मौजूद लक्सिस हुंजा के बेहतरीन नाश्ते और मदहोश कुन नज़ारों के साथ। यहाँ फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन मकामात मौजूद हैं, जहाँ आप इस ट्रिप के बेहतरीन लम्हात को कैद कर सकते हैं। इसके अलावा झील पर दीगर एक्टिविटीज़ जैसा कि बोटिंग और जेट्स की भी मौजूद है, जिनकी मुकम्मल तफसीलात मैं एक और वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज जाएं, जिसका शुमार खतरनाक तरीन पुलों में से होता है। यहां पे ज़िपलाइन भी मौजूद है। इसके बाद आप गुलमीत का रुख करें, जो कि इंतहाई खूबसूरत गाँव है। तीसरे दिन का आगाज़ करें दिल मोह लेने वाली झील से, जिसको बुरेत लेक कहते हैं। वैसे तो यहाँ बोटिंग भी की जा सकती है, मगर ये ख़ास तौर पर कयाकिंग के लिए मशहूर है। ये फैमिलीज के लिए भी इंतहाई महफूज है। इसके बाद आप रुख करें द मोस्ट फोटोग्राफ पीक, यानी कि पस्सू कॉन्स। यहाँ पे आपको मिलेगा पस्सू का खूबसूरत गाँव, पस्सू ग्लेशियर और पस्सू क्रिकेट ग्राउंड। इसके अलावा यहाँ रिहाइश के लिए मेयारी और रियायती होटल्स भी मौजूद हैं।
इसके बाद फोटोग्राफी की बेहतरीन जगह रेम्बो ब्रिज का रुख करें। और हाँ दोस्तों, यहाँ के मशहूर एप्रिकॉट केक ट्राई करने के लिए ग्लेशियर ब्रीज कैफ़े को हरगिज़ ना भूलें। और फिर मशहूर यॉर्क बर्गर खाने के लिए पस्सु में मौजूद यॉर्क ग्रिल ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, चौथा दिन करें खुंजरा पास के नाम। यहाँ के रास्ते में इंतहाई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसा कि सोस्त वैली। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। इर्द गिर्द आपको यॉर्क्स भी नज़र आएंगे। और मज़े की बात ये कि जून जुलाई के महीनों में भी आप बर्फ का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हुंजा के मुख्तसर प्लान की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए करामत साबित होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घूमें फिरें और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने में मेरा साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।